नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग यहां पर देख रहे हैं, गुड़ा करने की ट्रिक। और आज हम आप लोगों को एक नई ट्रिक सिखाएंगे किस तरीके से गुड़ा किया जाता है। ये बेसिक तरीका होता है, खेल खेल में आप कैसे इस संख्या का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 25×25 लिख सकते हैं, 25×40 भी निकाल सकते हैं, 25×85 भी, कोई भी संख्या यहाँ पर हो, दो दो संख्याएं होनी चाहिए, यानी टू डिजिट नंबर्स होने चाहिए। अब देखिए, आप जादुई ट्रिक हम यहाँ पर एक सिखाएंगे, पहले आप कॉन्सेप्ट समझिएगा। एक हम इस तरीके से एक वर्ग बना लेते हैं खेल के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर दो संख्याएं हमारी हैं, इसमें भी दो, यहाँ पर भी। तो यहाँ पर हम इस तरीके से दो दो हिस्से में बांट लेते हैं। कुल मिलाकर दो संख्याएं यहाँ पर लिख सकते हैं, दो संख्याएं यहाँ पर लिख सकते हैं। तो 25 पहला वाला जो दिया गया है हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, इस तरीके से। दूसरा 25 जो है इस साइड में हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डायगनल मेथड हम इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे, ये डायगनल लाइंस जो हैं यहाँ पर। देखिए, बहुत ही अच्छी ये जादुई ट्रिक है, बच्चों को भी सिखा सकते हैं खेल खेल में। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो होता है, ये संख्या जो पहली वाली संख्या है, इससे इसको गुणा किया जाएगा, इसी संख्या से इसको गुणा किया जाएगा। और यहाँ पर जैसे हम गुणा करेंगे, 2×5 = 10, 10 आया तो हम एक यहाँ पर लिखेंगे और एक 0 यहाँ पर लिख देंगे। तो 10 हमारा यहाँ पर लिख चुका है, ठीक है। अब 2 से यहाँ पर गुणा करेंगे, 2×2 = 4 आएगा। जब 4 आएगा तो 4 यहाँ पर एक 0 नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि तब 40 हो जाएगा, जैसा कि यहाँ 10 पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर 4 हम पहले लिखेंगे और एक 0 आगे लगा देंगे, यानी 4 लिखने के लिए क्या है, 0 और ऐसे लिखेंगे तो ये हमारा 4 ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा, फिर 5 से गुणा करेंगे, 5×25 आएगा तो 2 यहाँ पर लिखा जाएगा, 5 यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है। अब 5 से यहाँ पर गुणा करेंगे तो 5×2 = 10 आ जाएगा। अब यहीं पर इसका खेल है, ध्यान से समझिएगा। इस लाइन में देखना है कितनी संख्याएं, ऐसे एरो बना लेंगे यहाँ पर इस रो में, इन दोनों लाइन के बीच में जो संख्याएं हैं उसके लिए एरो यहाँ पर बनाएंगे, इन दोनों के बीच में जो संख्याएं आ रही हैं इसके सामने एक एरो यहाँ पर बना लेंगे, ठीक है। इतना बनाने के बाद इन सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे, यानी इसको नहीं जोड़ना, ये तो बाहर बाहर की गुणा करने, इस लाइन के बीच में। तो यहाँ संख्या मिल गई हमें 5, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 0 है, तो यहाँ आएगा 2 ही आएगा। इन संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे, 1 और 4 = 5 हो गए, 1 = 6, तो देख सकते हैं। तो यहाँ से अंडरलाइन करते हुए पहली पहली संख्या को लिख लेंगे, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 625 आ जाएगा। आप लोग अगर गुणा करेंगे 25×25 तो आपका आंसर मिलेगा 625। ये एक यूनिक मेथड है, बहुत ही अच्छा तरीका है। इसी तरीके से हम यहाँ पर इसका भी मान निकाल सकते हैं। अब देखिएगा, बहुत ही सिंपल तरीका है, इस तरीके से वर्ग बनाना है। दो संख्याएं थी तो हम दो हिस्सों में बांट लेंगे इसको, इस तरीके से, ठीक है। डायगनली इसे हम जोड़ लेंगे इस तरीके से, बढ़िया अच्छे तरीके से, ध्यान रखिएगा। मैंने जोड़ लिया, उसके बाद यहाँ पर 35 था तो 3 यहाँ लिख देंगे, 5 यहाँ पर लिख देंगे, 45 है तो 4 यहाँ पर और 5 यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर गुणा करना स्टार्ट करते हैं, 4×5 = 20, तो 20 आएगा, 2 यहाँ पर, 0 यहाँ रहेगा, 4×3 = 12, 1 यहाँ पर रहेगा, 2 यहाँ पर लिख गया, 5×25 = 25, तो 2 यहाँ रहेगा, 5 यहाँ पर रहेगा, ठीक है। 5×3 = 15, तो यानी 5 से इसको गुणा करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, 5×3 = 15 आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे। अब इन्हीं संख्याओं को, सभी जो संख्याएँ हैं इनको हम जोड़ लेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें संख्या है 5 ही हमारी आती है, और इन दोनों के बीच में संख्या देखो, 5 और 2 = 7 हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो 2×2 = 4 = 5, तो यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर कितना है, 1 आ गया। तो यहाँ की संख्या लेंगे, ये संख्या लेंगे, ये संख्या लेंगे, ये, तो कुल मिलाकर इस साइड से नोट करेंगे तो यहाँ पर 5 हो गई, फिर 7 थी, फिर 5 है, फिर 1 है, यहाँ पर 1 था। तो ये देख सकते हैं इसका मान, आप गुणा करके देख लीजिए, आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका था दो संख्याओं के लिए। अब तीसरी संख्या, यानी 3-3 संख्याएं अगर हों तो उनका गुणा कैसे करते हैं, चलिए अब 3-3 संख्याओं को आपस में हम गुणा करना सीखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा गया है 235 ले लेते हैं, 325 ले लेते हैं, ठीक है। अब ये दो संख्या हमने बनाई, इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। एक बड़ा सा हमें वर्ग बनाना है, अच्छा सा, इतना बड़ा, ठीक है। और इसका जो भी मान आएगा हम यहाँ पर लिखेंगे। तो इसमें कितने 3 इसमें हैं, तो 3 बॉक्स के रूप में ऐसे हम लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। इस साइड में भी 3 है तो 3 इक्वल भाग में हम इसको भी ऐसे डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। मैंने डिवाइड कर लिया।
अब इसमें डायगनल, पहले संख्याएं नोट कर लेते हैं, यहाँ पर दो रहेगा, यहाँ पर तीन रहेगा, यहाँ पर पाँच, और यहाँ पर तीन, दो और पाँच, हर एक बॉक्स के सामने मैंने इस तरीके से नंबर लिख दिया। अब इनके डायगनल यानी विकर्ण जिसे कहते हो, ये आप हम ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, देख सकते हैं मैंने ड्रॉ कर दिया, थोड़ी सी लाइन तिरछा हो गई, इसे आप जोड़ दीजिएगा। तो यहाँ से डायगनल लेके आएंगे, यहाँ पर, यहाँ, यहाँ करके आप ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, देख सकते हैं सभी को मैंने जोड़ दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर गुणा करेंगे, तीन पच्चे पंद्रह, तो यहाँ पर आ गया। अब तीन से इसे भी गुणा करेंगे, तीन तीन नौ, नौ आएगा तो नौ पहले रहेगा, जीरो बाद में रहेगा, और तीन दूना छः, तो छः यहाँ पर रहेगा, जीरो यहाँ पर रहेगा, ठीक है। दो पंचे दस, तो एक यहाँ पर रहेगा जीरो, और दो तियाँ छः, तो छः यहाँ पर रहेगा, एक जीरो यहाँ रहेगा, दो दूना चार, तो चार यहाँ पर, एक जीरो यहाँ पर। पचम पच्चीस, इस संख्या से इन सभी को गुणा करेंगे, पचम पच्चीस आएगा तो दो यहाँ पर रहेगा, पाँच यहाँ पर, और पाँच तियाँ पंद्रह, एक यहाँ पर रहेगा, पाँच यहाँ पर रहेगा, पाँच दूना दस, तो एक यहाँ पर रहेगा। अब इन सभी संख्याओं को आप जोड़ लेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। एरो जो बना रहे हैं, एरो को ध्यान रखिएगा, हर एक लाइन के बीच में हम इन दोनों लाइन के बीच में जो नंबर आते हैं उन्हें करते हैं। जैसे यहाँ संख्या पाँच थी तो हम पाँच लिख देंगे, इन दोनों लाइन के बीच में संख्या पाँच और दो है यानी कि सात हो जाएगा, इन दोनों लाइन के बीच में यहाँ से लगाकर यहाँ तक जो नंबर्स हैं उन सभी को हम जोड़ेंगे, ये हमारा जो है जीरो था, ठीक है, क्योंकि पाँच दूना दस आया था। तो इन सभी संख्याओं को हम जोड़ लेंगे, तो पाँच एक छः हो जाएगा, छः छः बारह, एक तेरह, तो यहाँ पर तेरह बन जाएगा, यहाँ पर जोड़ेंगे नौ और एक दस, और दस चार चौदह, एक पाँच पंद्रह, तो यहाँ पर पंद्रह आ जाएगा, और यहाँ पर संख्या कितनी है छः। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर दो संख्या, यहाँ पर पहली पहली संख्या हम लेते हैं, जो एक बच गया है तो एक ये जो है यहाँ पर आ जाएगा, इसमें जोड़ देंगे तो अब सोलह हो जाएगा, सोलह की पहली संख्या ले लेंगे, एक जो बच गया है यहाँ पर चला जाएगा, तो छः में एक जोड़ देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा सात। तो ये संख्या जो मैंने अंडरलाइन की, इन सभी को नोट करना, तो यहाँ से नोट करना है, संख्या पहले नंबर पाँच आई थी, फिर यहाँ पे सात है, फिर दूसरे नंबर तीन है इसमें, ठीक है, फिर यहाँ पर छः है, फिर उसके बाद सात है। अगर आप इन सभी संख्याओं को गुणा करेंगे तो आपको संख्या यहाँ पर इतनी मिल जाएगी, ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से आप आंसर निकालेंगे, तो ये देख सकते हैं 76375 इसका आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं ये गुड़ा की जादुई ट्रिक जो है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।